हेलो, वेलकम टू द क्लास 9 फिजिक्स, द चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। द चैप्टर इज गोइंग ऑन वन वीडियो। द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज ऑलरेडी अपलोडेड, ऑल ऑफ यू माइट हैव सीन द वीडियो। तो डेफिनेशन ऑफ वर्क जो है हम लोग देख चुके हैं, है ना। वर्क बराबर फोर्स इनटू वाटर द डिस्टेंस, है ना। फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट सिंपल ये है। तो दिस फोर्स बराबर दिस वर्क डन बराबर एम इंटू एस। फोर्स भी वेक्टर है और एस भी वेक्टर है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसको लिखा जाता है एम वेक्टर डॉट एस वेक्टर एंड दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ। ये चीज डॉट प्रोडक्ट क्लास 9 में नहीं है, थोड़ा ऐसे इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, है ना। अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर क्लास 11 का बुक ले लो और उसको पढ़ो, ठीक है। वेक्टर भी पढ़ लेना है और उसके बाद जो वेक्टर प्रोडक्ट ना डॉट प्रोडक्ट ना स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, ये डॉट दिए हैं डॉट, और वेक्टर प्रोडक्ट मतलब क्रॉस प्रोडक्ट सारा अगर 9 क्लास में कर लेगा, 11 का जो चैप्टर है वेक्टर, फिर वर्क एनर्जी पावर, ये सारा चैप्टर अगर कर लिया 11 में ही 9 में पढ़ते हुए, तो तुम जो है आगे में जो है नीट हुआ या जेई मेंस हुआ एडवांस हुआ उसके लिए ट्राई करोगे तो इट विल बी वेरी यूजफुल देयर, राइट। तो इसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट राइट है, डॉट प्रोडक्ट है ना। इतना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, इसको क्लास 11 में देखोगे, है ना। इन क्लास 11 में ये सब करोगे तो दोज हु आर इंटरेस्टेड टू क्रैक जेई मेंस एडवांस और टू क्रैक नीट, दोज हु आर नीट एस्पायरेंट, दे शुड ट्राई फ्रॉम क्लास 9 ओनली। 9 से ही अपना मेंटलिटी तैयार करना। 9 में पढ़ते हुए मोशन चैप्टर है, 11 में भी मोशन चैप्टर है, काइनेमेटिक्स है, 9 में लॉज ऑफ मोशन है, 11 में भी लॉज ऑफ मोशन है बट एडवांस स्टेज है। फिर जो है ग्रेविटेशन 9 में है, 11 में भी ग्रेविटेशन है। वर्क एनर्जी पावर 9 में भी है, वर्क एनर्जी पावर 11 में भी है। थोड़ा बड़ा है, 9 में इतना है, 11 में इतना है। अब जो मन में ठान लिया कि हमको भाई IIT करना है, जो मन में ठान लिया कि हमको नीटे करना है, तो वो तो भैया अभी से लग जा, कल के इंतजार मत करो, है ना। कल करे सो आज करे सो अब, ये वाला फार्मूला लगा। ये नहीं कि आज करे सो कल करे सो परसों, जीना है परसों, ये वाला मामला से नाइदर यू कैन क्रैक IIT नॉट यू कैन क्रैक नीट। तो ये सब है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिए, ये थोड़ा दिमाग में रखोगे, जो इच्छा करोगे वो 11 का भी पढ़ोगे। तो इस केस में क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। जैसे कार की कल्पना करिए, कार थोड़ा बनाना इजी है, कार की कल्पना करिए, कार ऐसा है, कार में एक पॉइंट पर एक रस्सी बांध दी और रस्सी को पकड़ के खींचे, तो खींचने के लिए पुल करने के लिए क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। फोर्स का डायरेक्शन नहीं है। अभी कार ये लुढ़क करके पहुंच जाएगा कहाँ, यहाँ, ये लुढ़क करके यहाँ पहुँचेगा, पहुँचना ही है, टेढ़ा नहीं करो, ऐसा नहीं खींचने में कार टेढ़ा हो गया। ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ, ठीक है। फोर्स तो अभी कंटिन्यूसली लग ही रहा है, तो कितना डिस्टेंस गया इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्प्लेसमेंट करना होगा, कैसे होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर लगा है
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, एंड क्या है फोर्स, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में, तब तो वर्क डन जो है यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन हुआ, यह वर्क डन डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस करते हैं, फोर्स लगा है मान लो 10 न्यूटन और यह डिस्प्लेसमेंट मान लो हो गया है 10 मीटर, तो वर्क डन निकल जाएगा 10 न्यूटन × 10 मीटर बराबर जो है बराबर जो है 100 न्यूटन मीटर, 100 न्यूटन मीटर मतलब कितना वर्क डन हो गया 100 जूल, इसका मतलब 100 जूल एनर्जी खर्च हुआ, जिसके बाद हम लोग आगे करेंगे, कहा कि एनर्जी खर्च होगा तभी वर्क होगा, आगे डिफाइन होगा एनर्जी का, एनर्जी इज एबिलिटी टू वर्क, टू डू वर्क कर रहा है ना, एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, कोई काम कर रहे हैं तो एनर्जी लॉस हम लोग का होगा, टायर्ड हो जाते हैं, इसका मतलब वही एनर्जी के परिवर्तन में क्या वर्क हुआ, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन एनर्जी दैट इज इक्वल टू वर्क डन, आगे आ गया, लेकिन हमेशा हम लोग ऐसा नहीं होता है, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर ही फोर्स लग रहा है, ऐसा करके तो खींचेंगे नहीं इसको, तब उस केस में कैसे खींचेंगे, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स, इंक्लाइन फोर्स लगा रहा होगा इस ट्रॉय को, ऐसा कोई नहीं खींचता कि बैट बैट खींचेगा सीधा, इसको खींचता है कैसे, है ना, कैसे खींचता है उसमें हुआ 100 जूल वर्क सीधा, इसको खींचेगा कैसे, इसको खींचेगा खड़ा होकर आदमी जो है आदमी खड़ा हो जाएगा, ठीक है, और ये इसका हाथ है रस्सी पकड़ के ऐसे खींचेगा, इस डायरेक्शन में खींचेगा, इससे भी जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट विल बी इन डायरेक्शन, खींचेगा फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, मतलब थीटा एंगल बनाएगा, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट के साथ कितना एंगल बन रहा है थीटा एंगल बन रहा है, तब तो वर्क डन कम होगा, पता नहीं क्या होगा, है ना, तो इस केस में वर्क डन कितना होगा, लेकिन फोर्स क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होना चाहिए, तो इसका कंपोनेंट लेंगे कैसे लेंगे, कभी लाइन में ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं हुआ है तो फिर भी हम लोग थोड़ा प्रयास करेंगे, मान लो ये डायरेक्शन है, ये थीटा एंगल है, जो फोर्स का डायरेक्शन है, इसको ले करके एक ट्रायंगल की कल्पना करेंगे, थीटा है, तो थीटा के बगल वाला जो पार्ट होता है या क्रॉस थीटा होता है, थीटा के जो दूर वाला होता है वो सहायक साइन थीटा, इतना ही याद रखना, ठीक है, इतना ही याद रखना, थीटा के बगल वाला ये फोर्स है, थीटा के बगल वाला क्रॉस थीटा, थीटा के दूर वाला सहायक साइन थीटा, ठीक है, तो ये थीटा के बगल वाला ये वाला फोर्स का कंपोनेंट कितना होगा, या क्रॉस थीटा हो जाएगा, तब वर्क डन कितना होगा, वर्क डन बराबर होगा फोर्स या क्रॉस थीटा जो थोड़ा सा जो है तो ये एक मैथमेटिक्स का पार्ट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, दैट इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री, उसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोण मिति, त्रिकोण किसका होता है, त्रिभुज का होता है, मिति मतलब मेजरमेंट, ट्रिगोनोमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल, एक चैप्टर होगा क्लास 10 में मैथमेटिक्स में, भैया जिसको भी नीट में जाना है, IIT का तैयारी करना है, अभी मैथ का किताब लो और ट्रिगोनोमेट्री पूरा मैथ को बना लो, खुद भी पढ़ोगे ना, पहले इंट्रोडक्शन पढ़ोगे, उसके बाद फार्मूला सब आएगा, उसके बाद एग्जाम्पल बनाओगे, योर सेल्फ यू कैन डू, टीच योर सेल्फ, एक फार्मूला बना लो, टीच योर सेल्फ, खुद से खुद को पढ़ाओ, तभी कोई लड़का किसी को पढ़ा के कोई IIT नहीं बना सकता है,
किसी को पढ़ा के कोई नीट क्वालिफाई नहीं कर सकता है। जब तक बच्चा खुद नहीं पढ़ेगा तब तक कुछ नहीं। दिस इज द सिंपल फंडा ऑफ द लर्निंग 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 आउटकम्स। ठीक है, वो सिंपल सुनो। तो ट्रिगोनोमेट्री का कुछ आइडिया हम दे रहे हैं, मैनी साइड पॉलीगोन पढ़ते आए हैं बचपन से मैथ में। पॉली मतलब मैनी, गोन मतलब साइड्स, जैसे सिंपल पॉलीगोन ट्रायंगल, उसके बाद क्या है स्क्वायर है चार साइड वाला, क्वाड्रिलेटर, पांच साइड वाला क्या पेंटागोन है, छह साइड वाला क्या हेक्सागोन है, सात साइड वाला क्या हेप्टागोन है, आठ साइड वाला ऑक्टागोन, नाइन साइड वाला नोनागोन, दस साइड वाला डेकागोन, उसके बाद कोई नाम नहीं है। पॉलीगोन हैविंग 11 साइड, पॉलीगोन हैविंग 12 साइड। तो ट्रिगोनोमेट्री ट्रायंगल, ट्रायंगल का ट्रायंगल, उसमें तीन रेशियो होता है। ट्रिगोनोमेट्रिक ट्रिगोनो ट्रिगोनोमेट्रिक के रेशियो रेशियो अनुपात कौन कौन है, साइन है, साइन है, इसको सिर्फ लिखते हैं साइन, लिखते हैं साइन दिया, कॉस साइन, कॉस साइन, तो सब पर लिखते हैं कॉस, टेन लेट, टेन को इसको लिखते हैं टेन, टेन, नाम है साइन, ऐसा ही नहीं है, इसको सॉर्ट पर में साइन कहते हैं, ऐसा ही है साइन, ऐसा ही है साइन, सीन में ना पाप भी होता है, वो पाप वाला नहीं है सीन, ये साइन वाला सीन है। और F और S जब सेम डायरेक्शन में होगा तो कोई थीटा नहीं बनेगा, तो कॉस थीटा रहने नहीं करेगा, थीटा नहीं बनेगा, जीरो होगा, कॉस जीरो का वैल्यू वन होता है, कॉस जीरो का वैल्यू कॉस गायब हो जाता है ना, ये सब टेक्निक क्या करते हैं। तो मान लो कोई ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, उसमें भी राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, इट शुड बी राइट एंगल ट्रायंगल, ये इसका बेस हो गया, यह एंगल थीटा होगा, यह एंगल होगा बेस मतलब बी, यह थीटा के सामने वाला खड़ा वाला है परपेंडिकुलर मतलब पी, थीटा के नाम सामने वाला हाइपोटेनस। जस्ट यू रिमेंबर द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का मतलब क्या है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस अल्फा बी स्क्वायर, दैट यू नो, ये हमने जानता है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट वगैरह क्लास 7 से पढ़ते आ रहा है। इसमें रेशियो जो निकालेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, इसकी रेशियो करते हैं साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ थीटा, थीटा का साइन हो जाएगा पी बाई एच, इस थीटा का कॉस मतलब कॉस साइन ऑफ थीटा बराबर हो जाएगा पी बाई एच, और टेंजेंट मतलब टेंजेंट मतलब टेन ऑफ थीटा, ऑफ थीटा कहेंगे टेन थीटा बराबर हो जाएगा पी बाई डी, ऐसा होगा। अब सारा का वैल्यू होता है ना, वैल्यू का वैल्यू होता है, ठीक है, किसका वैल्यू का कितना होता है, या थीटा ले लेंगे और ना लेंगे जीरो डिग्री, ना लेंगे 30 डिग्री और ना लेंगे 45 डिग्री, ना लेंगे 60 डिग्री और यहाँ ले लेंगे 90 डिग्री, और बढ़ते जाएगा लेकिन अभी तक इतना ही करना है, ज्यादा ही नहीं करना है, थोड़ा सा मैथ पढ़ा रहे हैं क्योंकि इसका जरूरत है। यहाँ लिखेंगे थोड़ा सा बड़ा करते हैं, राइट, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिए लिखने के लिए, और ये इतना लिखिए टेबल को थोड़ा नोट करके याद करेगा। यहाँ का साइन ऑफ थीटा,
ये हो जाएगा साइन जीरो डिग्री होगा, साइन जीरो डिग्री, साइन थीटा का साइन थर्टी होगा जीरो, साइन थर्टी का वैल्यू वन बाई टू, साइन फोर्टी फाइव का वैल्यू वन बाई रूट टू, साइन सिक्सटी का वैल्यू थ्री बाई टू, साइन नाइनटी का वैल्यू वन होता है। इसके बाद जो है कॉस, कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ जीरो डिग्री वन, कॉस ऑफ थर्टी रूट थ्री बाई टू, कॉस ऑफ फोर्टी फाइव वन बाई रूट टू, कॉस ऑफ सिक्सटी वन बाई टू, कॉस ऑफ नाइनटी जीरो, ऐसा हुआ। अब जो है टेन का वैल्यू, टेन टेन ऑफ थीटा, ये वैल्यू सब निकलता है, ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा जीरो, ये दोनों भाग होगा तो वन बाई होगा रूट थ्री, ये दोनों भाग होगा तो वन, टेन फोर्टी फाइव का वैल्यू वन, इसका वैल्यू हो जाएगा अपना रूट थ्री, टेन इसका वन बाई जीरो हो जाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। इतना पार्ट जो है थोड़ा एक्स्ट्रा बोल रहे हैं, इसका जरूरत है। ये सारा वैल्यू जो है थोड़ा सा देख के रखना है, ऑल दिस वैल्यू आर वेरी यूजफुल टू सॉल्व सम प्रॉब्लम इन द फिजिक्स, राइट। ये साइन जीरो डिग्री जीरो, ये कर लेना है और क्लास टेन का मैथमेटिक्स लेना है, ये क्या ट्रिग्नोमेट्री बनाना है, थोड़ा हिंट दे दिए, अब अगर खुद बनाने लगोगे इजीली यू कैन सॉल्व, राइट। तो जब एफ और एस के बीच कोई एंगल बनेगा तब वर्क डन का माजरा कुछ अलग होगा, जैसे जो अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट, ये टेबल का ही हमें जरूरत है, वी नीड दिस टेबल, इस टेबल की हमेशा जरूरत है, राइट। तो साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ द वर्क, साइंटिफिक साइंटिफिक कंसेप्शन, कंसेप्शन ऑफ वर्क, हम लोग जो है अपना डेली लाइफ में कोई बड़ा बैठ के खूब पढ़ रहा है, रात दिन पढ़ रहा है, बोलते हैं हार्ड वर्किंग, वर्क कर रहा है, साइंस के लैंग्वेज में वर्क नहीं कर रहा है, एक कूली माथा में टोकरी लेके खूब चल रहा है एक किलोमीटर, उसके बाद उसको वो या कोई बक्सा लेके चल रहा है या हमारा कोई लगेज लेके जा रहा है और सामान पहुंचा दिया, अरे भैया तू काम किया लो 10 रुपया, ये तो सोशल वर्क हुआ, लेकिन साइंस के लैंग्वेज में उसने कोई वर्क नहीं किया, ठीक है ना। तो ये वर्क डन बराबर, वर्क डन बराबर, वर्क डन बराबर एफ एस कॉस ऑफ थीटा। आप देखो लगेज कैरी बार, लगेज लगेज कैरी बार, कैरी बार और पूरी, पूरी जो लगेज होता है क्या होता है, ये पूरी बना देते हैं, ये पूरी हो गया और ये बेचारा हाथ में करके यहाँ बड़ा सा बक्सा लेकर ढो रहा है, बड़ा सा बक्सा जो है कचरे का ढो के लेके चल रहा है और ये चल रहा है, इसका वेट इधर लग रहा है, इसका वेट जो है नीचे लग रहा है, वेट मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब पूरी नीचे लग रहा है और चल के पूरी आ गए यहाँ, बड़ा बड़ा हाथ बना देते हैं, नाम बना देते हैं, चल के यहाँ आ गया, ठीक है, और ये पूरी यहाँ पहुँच गया, सही वाला बच्चा को पकड़ के अंदर ले, ठीक है, यहाँ पहुँचा। तो ये डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इसी तरह डिस्प्लेसमेंट फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है नीचे, दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, कितना कितना बन रहा है मैग्नीट्यूड, तो वर्क डन कितना हुआ एफ एस, एफ एस कॉस ऑफ 90 डिग्री, ठीक है ना, है कॉस 90 का वैल्यू कितना है जीरो, फोर्स कुछ हो डिस्टेंस कुछ हो कॉस 90 जीरो मतलब वर्क डन जीरो हुआ, ठीक है, साइंस के लेवल में वर्क डन नहीं हुआ। ऐसा करोगे स्टेशन से बक्सा माथा में कूली का दे करके बस स्टैंड तक पहुंचा लो और फार्मूला लगा करके बोलो भैया थोड़ा तो वर्क डन नहीं हुआ तो कौन सी का मजदूरी देंगे,
है ना, तो दिक्कत कर देगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट को डिपेंड करता है कितना वर्टन हुआ, इसकी चर्चा हम लोग और आगे करेंगे। लेकिन तुम लोग 10 का ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना शुरू कर दो आज से। ओके, थैंक यू।